डरी हुई हैं जीनत, डर लग रहा है। तुम वहाँ पे लिख दो कि तुम्हारी जान को कुछ होगा या फैमिली को, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जीनत। यौन उत्पीड़न के आरोपी रमेश चंद्रा के बिना जी न्यूज का काम नहीं चल सकता, ये ऑन रिकॉर्ड है। एक पावरफुल आदमी है रमेश चंद्रा, है ना, यूं ही तो नहीं मुझे मार सकता, मेरे मरने से पहले तो नहीं मार सकता। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, थर थर कांपती है। डर किसके लिए रही है, क्या हो जाएगा इससे? ध्यान से रहना, अकेले रहती हो, ध्यान से रहना। एक आदमी कहता है कि यौन उत्पीड़न के मामले ऐसे निपटा देता हूँ, ऐसे चुटकियों में। ब्लैकमेलिंग तो होती है ना बच्चियों के साथ, यहीं पर वो गलती करती है। आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं? एक एक थ्रेड देने की कोशिश करते हैं, बहुत उड़ रही है तू, और काट देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जीनत सिद्दीकी हैं हमारे साथ, जी न्यूज की पूर्व एंकर, दिल्ली एनसीआर चैनल में एंकरिंग किया करती थीं। और इन्हें 3 फरवरी को बुलाकर, और जीनत के शब्दों में, बंधक जैसे स्थिति में जबरन टर्मिनेट कर दिया गया। तब जब इन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की, उसी ग्रुप के एक संपादक जिसका नाम रमेश चंद्रा है, तो क्या एक कॉरपोरेट घराने में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना, आवाज़ उठाना इतना मुश्किल होता है? एनसीआरबी का एक आंकड़ा है 2022 का, 10 साल निर्भया के हुए, और उसके बाद आंकड़ा ये कहता है कि क्यों लड़कियां घबराती हैं यौन उत्पीड़न की शिकायत करने से, 26.5% केवल कन्विक्शन रेट है। 2021 की ये बात है, 2020 में यह कन्विक्शन रेट था 29.8%, मतलब सीधे 3% कम हो गया। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की गई तो कन्विक्शन रेट जो यौन उत्पीड़न के मामले थे उसमें कम हो गया, मतलब इसका यह हुआ कि 100 में से 75 आरोपी छूट जाते हैं। क्योंकि रमेश चंद्रा जैसे लोगों पर जब आरोप लगता है, जी न्यूज जैसे संस्थान के भीतर उसकी सड़न पर, उसकी संस्कृति पर सवाल उठते हैं, तो किसी अमित बंसल नाम के लोग जो हैं, या उस तरीके के तमाम लोग किसी जीनत सिद्दीकी को सताने तड़पाने में जुट जाते हैं। 2021 का ही आंकड़ा है कि 21,21,755 मामले यौन हिंसा के आए महिलाओं के खिलाफ, और उनमें से जो सजा हुई वो केवल 23,243 मामले में। कहां 21 लाख और कहां 23,000, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश की स्थिति क्या है। जीनत, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको पहला हिस्सा देखना चाहिए ताकि आप समझ पाए कि जीनत सिद्दीकी के जो आरोप हैं वो कितने गहरे हैं, और जी न्यूज किस तरीके से यौन उत्पीड़न के मामले में बहुत बुरी तरीके से अपने एक संपादक को बचाने के मामले में फंसा हुआ। जीनत, आपको अंदाजा है आप कितने ताकतवर लोगों से, कितने ताकतवर मीडिया हाउस से, देश के नामी न्यूज चैनल से लड़ रही हैं? हाँ, शायद इसीलिए अभी तक FIR नहीं हुई है। एफआईआर नहीं हुई है। मैंने खुद लिखित में जाके कंप्लेन दी, तीन से चार घंटे वहाँ पे रही। आपने जो कंप्लेंट दी, ये आपकी कंप्लेंट है? हाँ जी, मेरी कंप्लेंट। ये आपने लिखी हुई? हाँ। ये हैंडराइटिंग आपकी है? मेरी है। अपने हाथ से लिखी, अपने बैठ के वहाँ पर बैठकर पुलिस स्टेशन। ये 5:36 इसमें समय लिखा है, जो भी उस समय थाने में तैनात रहा होगा उसने लिखा है 5:36 शाम, अंग्रेजी में लिखा हुआ इवनिंग, 3/2/2024 रिसीविंग टाइमिंग। और पीछे जो है ये थाना सेक्टर 20 जनपद गौतम बुद्ध नगर, मतलब नोएडा का ये मामला है। तो ये 3 तारीख से लेकर, और आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं आज है 11 तारीख, मतलब 8 दिन तक FIR नहीं हुई है। हाँ, FIR एक्चुअली 5 तारीख को मैंने करवाई है, 3 अच्छा। को मुझे टर्मिनेट किया था जो बुला के, अच्छा, और उसके बाद 5 को मैं ऑफिस गई थी HR से मिलने और अपना सामान लेने। तारीख 3 तारीख लिखी हुई, 3/2/24। हाँ, ये पीछे भी होगी डेट, अच्छा, 5/2/2024, ठीक है।
वो इंसिडेंट वाइज शायद लिखी होगी, तीन की घटना इसलिए है। तो तब से अभी तक नहीं हुई, तो घराना समझ में आ रहा है, अकूत एक बड़ा साम्राज्य है। मैंने लोगों से इसलिए चार नाम आपने लिखे हैं, मोबाइल नंबर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो चार नाम लिखे हुए हैं वो है पूजा दुग्गल, यजीन उसमें काम करती है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, कमेटी की, जिसमें आपका यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा था। दूसरे हैं रमेश चंद्रा, जिनके खिलाफ आपके बहुत संगीन आरोप हैं। तीसरे हैं अमित बंसल, जिन्होंने आपको बंधक बनाने की कोशिश की, आपके साथ बदसलूकी की, आप पर चीखे चिल्लाए, और जिन्होंने आपको सबक सिखाने की बात की। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर इवन उन्होंने कहा वो ऐसे मैटर्स उन्होंने ऐसे निपटाए हुए चुटकियों में, ऐसे चुटकी बजाकर उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है उनको यौन उत्पीड़न सुलझाने का, तो मामला वो ऐसे ऐसे रखते हैं। एग्जैक्टली, मतलब अदालतें नहीं सुलझा पा रही हैं, बड़े बड़े वकील नहीं सुलझा पा रहे, थाना नहीं, ये ऐसे ऐसे सुलझा देते मामला जी न्यूज वाले। और चौथा नाम है संजू राजू, एचआर से, ये उस दिन हमारा, ये भी एचआर से। तो उस दिन आपके साथ जो हुआ उसमें आपने शिकायत की, क्या स्थिति है आपके, इस आपने दिया ये कंप्लेंट थी, उसके बाद क्या हुआ? ये फिर से बताऊं कि ये जी न्यूज का मामला है, नोएडा फिल्म सिटी में जी न्यूज का दफ्तर है, जहां महीनों महीनों यौन उत्पीड़न हुआ, फप्तियां कसी गई, इनके शरीर को लेकर टिप्पणियां की गई, जीनत के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की गई, और रमेश चंद्रा नाम का एक आरोपी है, जब उस पर आरोप गहराने लगते हैं तो पॉश कमेटी धराशायी हो जाती है, वो डिफंक्ट हो जाती है, वो 5 महीने बाद कहती है कि हम एक नया मेंबर बनाकर फिर से इस पर जांच शुरू करेंगे, और इसके अगले दिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब बताइए कि ये क्या स्थिति है, इस शिकायत को देने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं इंतजार करती रही, FIR दर्ज हो जाएगी, दर्ज हो जाएगी, फिर मैंने इसको लेकर ट्वीट किया। आपने ट्वीट किया 5 तारीख को, 6 तारीख को, 6 फरवरी को आपने ट्वीट किया, ठीक है? उसमें मैंने इसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इवन मैं 5 को जब थाने गई हूँ, मैंने रिटर्न में दी है, 6 को मुझे फिर बुलाया गया है, थाने मुझे बुलाया गया। किसने बुलाया? बड़े ऑफिसर्स थे, बड़े ऑफिसर्स ने बुलाया, क्योंकि वहाँ पे कई लोग थे, तो मैं क्या उनका नाम लूँ, तो मुझे बुलाया गया और मुझे पूछा गया, सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई, सारी चीज़ें मुझसे मांगी गई, ठीक है, और मैंने डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कराई फिर बाद में व्हाट्सएप पे, और मुझे कहा गया कि हम कल तक इसको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मैंने बताया कि कहाँ कहाँ के फुटेजेस आपको लेने हैं, CCTV फुटेज पूरे घटना से। उन्होंने आपको वादा किया नोएडा पुलिस ने, नोएडा कमिश्नर, मतलब गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने, मतलब पुलिस स्टेशन में जो बड़े ऑफिसर्स थे, कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, है ना? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, अभी तक नहीं। आपने एक ट्वीट किया 2:19 पर 9 फरवरी को, 2 दिन पहले। इस ट्वीट में आपने लिखा, आदरणीय अधिकारीगण, दिनांक 5 फरवरी को मैंने नोएडा 20 थाने में आकर लिखित में रॉन्गफुल रेस्टोरेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, छेड़छाड़, सामान छीनना इत्यादि की शिकायत पुलिस को दी थी। अभी तक भी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। स्वयं उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे दिनांक 6 फरवरी को शाम के वक्त 1 दिन बाद FIR दर्ज हो जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मेरी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। मैं हैरान हूं कि पुलिस विभाग मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की महिला सुरक्षा को लेकर अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति को क्यों और किसके दबाव में स्वीकार नहीं कर रहा है। ये परंपरा डरावनी है। मैंने पुलिस को रॉन्गफुल रेस्टोरेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की शिकायत दी, पुलिस उस पर काम न करके पॉश के मामले की जांच में समय व्यर्थ कर जांच को गलत दिशा देने का प्रयत्न कर रही है। कृपया शीघ्र अतिशीघ्र मेरी शिकायत दर्ज करने की कृपा करें, मेरा एक एक क्षण जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। आपने टैग किया है पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर को, आपने टैग किया है यूपी पुलिस को, आपने टैग किया है DGP यूपी को, मुख्यमंत्री को खुद, योगी आदित्यनाथ के दफ्तर को, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, आपने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को, आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को, नरेंद्र मोदी को, और टैग किया है मीडिया का जंगल राज, टूथलेस पॉश और मिसोजेनिस्ट इंडियन मीडिया। ये आपने किया 9 तारीख को। अब 9 से 11 तक क्या हुआ?
इवन छः को भी, पाँच को मैंने कंप्लेन दी, छः को मैं दोबारा गई, सात को मैंने ट्वीट करके स्टेटस पूछा, नहीं जवाब मिला, आठ को पूछा, नौ को जो आपने पढ़ा अभी, उसके बाद भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है अभी भी कि मैं नहीं है, मतलब मैं जब तक यहाँ पर हूँ। ये महिला सुरक्षा की स्थिति है। और जब एक मशहूर टीवी चैनल की एंकर पोस्ट पिलर दौड़ रही है एक FIR कराने के लिए, तो ये बात, ये संदेश बाहर अपने आप चला जाता है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, ताकतवर लोगों के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, थर थर कांपती है। मामला जी मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसके संपादक से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी एक एंकर के साथ क्या हुआ इसका कोई महत्व उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारेबाजी के लिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। डरी हुई है जीनत, डर लग रहा है बहुत, तो गहरा प्रश्न है ये। डर होता है, आपकी मानसिक स्थिति रोज रोज खराब होती है। पांच महीने से तो कंप्लेन चली रही थी, फिर उस दिन जो घटना घटी, आप डरते हो अपने परिवार के लिए। मेरे घर पे जब मेरा टर्मिनेशन लेटर पहुंचा, मेरे छोटे भाई का व्हाट्सएप है मेरे पास, इसे आपका टर्मिनेशन आया है। मैंने बोला ठीक है मम्मी को मत बोलना, अभी वो सह नहीं पाएंगी। अभी मेरे मदर को टाइफाइड हो रखा है, वो बीमार चल रही हैं कई दिनों से, तो मैंने उन्हें नहीं जिक्र किया। और मैं उन्हें ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या है, उन्हें ये तो पता है कि मैंने कंप्लेन की है, मेरे साथ कोई बहुत बदतमीजी कर रहा था, मैंने उसकी कंप्लेन की है। तो मेरी अम्मी हमेशा बोलती हैं कि ध्यान से रहना, अकेले रहती हो ध्यान से रहना। एक आम इंसान, एक माँ यही बोलती है ना, बड़े लोग हैं जीना, ध्यान से रहना, यही बोलती है मेरी माँ। तो मेरे ब्रदर से जब मैंने बातचीत शुरू की, तो उसने वो मेरा टैग देखा, बिकॉज वो मुझे ट्विटर पे देखता है, मोस्टली मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करता है। तो ही सेड कि तुम वहाँ पे लिख दो कि तुम्हारी जान को कुछ होगा या फैमिली को, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जीनत। तो मेरे को, मैं, आप होता अंदर से फट जाते हो कि हाँ, डर लगता है ना अपने परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए। और अगर मैं उन्हें ये सब कुछ बता दूं तो शायद वो मेरे लिए भी डरेंगे हद से ज़्यादा। डर भी रहे हैं। और एक होता है ना कि जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हुआ, तो माएँ तो डरती है ना कि उसकी बेटी के लिए कोई कुछ बोले। वी आर फोर सिस्टर्स, मैं बड़ी हूँ। हर संवेदनशील आदमी डरता है, वो है ना? ये सिर्फ स्त्री का मामला नहीं है जीनत, जिनमें है डरता है। तो मगर शायद मेरी उसी माँ ने मुझे सिखाया है कि अपने हिस्से का बोलो चाहे जान जाए। अगर अपने हिस्से का बोलोगे नहीं तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो जो सैटरडे को हुआ, मुझे डर लग रहा है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ट्विटर पे लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, जो मैं कर सकती हूँ आई एम डूइंग एवरीथिंग, हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना, क्योंकि आपके साथ के लोग भी बदल जाते हैं ना, आपके साथ के लोग बदल जाते हैं, आपको नहीं पता चलता। लोग बहुत छोटी चीज़ों में अपने सुख ढूंढते हैं, बहुत छोटी चीज़ों में, जबकि आपकी लाइफ का मोटिव कुछ अलग होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मुझे एक उम्मीद है, मैं एक मैसेज कन्वे कर पाऊंगी कि नहीं, हर कोई अगर डर गया, घर बैठ गया। मैंने अपनी एक रिजॉइंडर जब मैंने 1 दिसंबर को फाइल किया था, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, मुझे लगता है मुझे कब कौन सी गाड़ी मार के चली जाएगी। एक पावरफुल आदमी है रमेश चंद्रा, है ना? तो आप लोग, पूरा संस्थान अब मेरे पीछे किस तरह से पड़ा हुआ है, उसके पीछे, मतलब एक आदमी को बचाने के लिए, क्योंकि पॉश कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, जैसा कि 2 तारीख के मेल वाले से पता चलता नहीं आई है कि पॉश कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले एंकर को जी ने उसने टर्मिनेट कर दिया, और जिसके खिलाफ शिकायत है वो आराम से न्यूज रूम का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि उसी मेल में लिखा हुआ है कि हेवी न्यूज फ्लो की वजह से। एक बात तय है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी रमेश चंद्रा के बिना जी न्यूज का काम नहीं चल सकता, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें लिखा हुआ है, लिखा है जी न्यूज ने कि रमेश चंद्रा जो यौन उत्पीड़न का आरोपी है,
एक एंकर पर फप्तियां कसने का आरोपी है, घटिया टिप्पणियां करने का आरोपी है, उसके बिना जी न्यूज का राष्ट्रवादी न्यूज फ्लो जो सो कॉल्ड है उसका काम नहीं चल सकता है। बिल्कुल एक लाइन में जो बात है वो यही है। हाँ, 2019 में भी नहीं चल रहा था ना, तभी भी उनके खिलाफ पौष की कंप्लेंट हुई थी। अच्छा, 2019 में भी कंप्लेंट हुई थी रमेश चंद्रा के ही खिलाफ। मैं जानती हूँ इस रिपोर्ट का क्या है, उसका क्या स्टेटस है, मैं इस पे बात नहीं करूंगी, लेकिन कंप्लेंट हुई थी। खैर, अब जीनत जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि आगे क्या, कैसे ले जाएंगे इस लड़ाई को। अब आपके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात है टेलीविजन मीडिया का उसमें आपको काम मिलेगा? इतने संवेदनशील संपादक हैं क्या, इतने संवेदनशील? खैर, अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती? मेरे लिए कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी नवीन जी, लेकिन मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी हूँ, मुझे बहुत बहुत आशाएं रहती हैं। आपकी लाइफ में जो कल थी वो मैं आज नहीं रह गई, एकदम मेरे अंदर की जो नरमियाँ थीं वो मर चुकी हैं अभी, क्योंकि आप हम सबको तो हंसना बोलना खेलना कूदना सजना सवरना पढ़ना लिखना अच्छा लगता है ना, अभी सब बदल गया है। बट जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, तो मैं क्या करूँगी मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ा करूँगी, मैं कोई बहुत बड़ा बदलाव करूँगी। आप कोई शक्तिशाली व्यक्ति यूं ही तो नहीं मुझे मार सकता, मेरे मरने से पहले तो नहीं मार सकता, चाहे वो जितनी ताकत लगा ले, मुझे सिर्फ इतना पता है अपने बारे में। ये इतनी सारी, अगर इसको भी जोड़ ले, इतनी सारी मेल्स की कॉपी है जो जीनत ने भेजे या जीनत को आए, और इतने सारे लिखत पढ़त को जी न्यूज के जो पॉश कमेटी है, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, जो जरूरी है कानूनी तौर पर और जिसका निवारण जरूरी है, उस कमेटी का होना जरूरी नहीं है, हर मामले का निवारण जरूरी है, इतनी सारी खतों किताबत को, चिट्ठियों को, मेल्स को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो आखिरी मेल आपने किया जीनत, मेरे ख्याल से आपने सुभाष चंद्रा को किया कि किस तरीके से आपको बंधक बनाकर एक तरीके से और आपसे जबरदस्ती की गई, और क्या क्या हुआ? हाँ, वो है, और एक और मैंने इलीगल जो टर्मिनेशन है, अनलॉफुल, उसको किया सीईओ और एचआर हेड को, सीईओ और एचआर हेड को। हाँ, तो अभी तक इतनी जो चिट्ठियां हैं उसमें आपने कंपनी के मालिक सुभाष चंद्रा की जानकारी में है ये पूरा मामला? यस, एवरीथिंग। डेट पूजा दुग्गल जो एचआर की हेड है जी न्यूज या जी मीडिया के, उनकी जानकारी में है पूरा मामला। प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी, प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी हैं आईसीसी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की। इसके अलावा ऋचा महेश्वरी सीएचआरओ, वो आईसीसी की भी मेंबर, आईसीसी की भी मेंबर है, उनकी जानकारी में सारा मामला है। अभय ओझा सीईओ, निश्चित तौर पर उनकी जानकारी में पूरा मामला होगा। मधु सोमन वायोन, जो उनका अंग्रेजी का चैनल है उसके प्रमुख हैं, उनकी जानकारी में ये पूरा मामला उनका है। उनका ही लास्ट मेल है कि नई आईसीसी बनाकर हम दे रहे हैं, 2 तारीख को मधु सोमन आपको मेल करते हैं। ये जरा समझिए कि ये जबरदस्ती क्या कहलाती है, इसके लिए शब्द ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि 2 तारीख की शाम को आपको एक मेल किया जाता है कि हम आपकी जांच पर सहृदयता से विचार कर रहे हैं, लेकिन रमेश चंद्रा के बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा, इसलिए उसको हम न्यूज फ्लो का पार्ट बना रहे हैं, और अगले दिन आप जबरदस्ती करके जीनत के शब्दों में बाहर निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। इसके अलावा सुनीता मोटवानी, एनजीओ, किसी एनजीओ जो आईसीसी का कंपल्सन है उसके तहत उनको रखा गया होगा, और विजयंत कुमार, इतने सारे लोग, मतलब टॉप टू बॉटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के बीच ये पूरा खतों और, के भी दावत, और भी बहुत सारे और लोग भी बहुत सारे, लेकिन ये सबसे ताकतवर लोग हैं, जिसमें सीईओ हैं, जिसमें मालिक हैं, जिसमें एचआर हेड हैं, जिसमें कई चैनल हेड हैं, इन सब की जानकारी में। और एक आरोपी को बचाने के लिए आपने जीनत सिद्दीकी
कि पूरे करियर को दांव पर लगा दिया। यह है राष्ट्रवाद इनका। सुभाष चंद्रा शो आता था एक, जिसमें वो बड़ी बड़ी लफाजियां किया करते थे, बड़ी बड़ी बातें, एक से एक बड़ी, मैं बड़ा कैसे बना और कैसे मैं महान हो गया, कैसे मैं और महान होता चला गया। सुभाष चंद्रा जी आप धन्य हैं और आपके चेहरे का नकाब उतर गया है और आपको आईना देखने की जरूरत है। जिस संस्थान का मालिक यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों पर अपनी नजरें बंद कर लेता है, उसको शर्मिंदा होना चाहिए। आपको राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं। आप जीनत सिद्दीकी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। आप अपनी नजरें इस देश के हर संवेदनशील इंसान से चुरा रहे हैं सुभाष चंद्रा जी। और जी न्यूज के संपादकों को सोचना चाहिए कि आज जो जीनत सिद्दीकी के साथ हुआ है, कल वो किसी के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कौन सच है कौन गलत है, लेकिन इंक्वायरी, एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हर जीनत सिद्दीकी का अधिकार है और ये अधिकार आप नहीं छीन सकते, न किसी रमेश चंद्रा के लिए, न रमेश चंद्राओं के लिए। यह सोचने का वक्त है हर संवेदनशील इंसान के लिए, भारत के हर उस नागरिक के लिए जो समानता, न्याय, बंधुत्व में यकीन करता है, जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में विश्वास करता है। क्योंकि यह सवाल एक जीनत सिद्दीकी का नहीं है, यह सवाल हर उस लड़की के भीतर भरे विश्वास के बचने या खत्म हो जाने का है जिसके आधार पर वो सपने देखती है बराबरी के आसमान में उड़ने की। और इसलिए जीनत सिद्दीकी को सुनना और ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। उन तमाम संकुचित सोच के लोगों के लिए मेरे मन में बहुत सहानुभूति है जो जीनत सिद्दीकी का चरित्र हनन कर रहे हैं, जो फूहड़ बातें कर रहे हैं, वो मर्द, लिजलिजे मर्द, उनको वाकई अगर उनके घर में बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, प्रेमिका है, पत्नी है, उनकी नज़रों में झांक कर देखना चाहिए कि क्या जीनत सिद्दीकी झूठ बोल रही है, क्या जीनत सिद्दीकी के उठाए हुए सवाल सुने नहीं जाने चाहिए, क्या जीनत सिद्दीकी को एक साफ सुथरी सुनवाई का अधिकार नहीं है। लेकिन जीनत, आप लड़ किसके लिए रही हैं, क्या हो जाएगा इससे? अगर ये सोचेंगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा नवीन जी, अगर हम यही सोचेंगे तो। अगर आप सिर्फ ये सोच के लड़ते हो कि आप अपने लिए लड़ रहे हो, मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे बोलना है, तो आप कभी नहीं लड़ पाते। जब आपको पता होता है कि न्यूज़ रूम में हम देखते हैं ना फीमेल्स के साथ, वो कपड़े पहन के आती है तो उस पर टिप्पणी हो जाती है, उसके लिपस्टिक के कलर पर टिप्पणी होती है। अगर किसी ने शादी कर ली तो ओहो अब इसको छुट्टी चाहिए, गलती से वो प्रेग्नेंट हो गई तब तो ओहो फिर इसे छुट्टी। मैं अभी आपको परसों का एक कॉल बताती हूँ, मेरी एक फीमेल कुलीग है, मेरे ऑफिस में नहीं, मतलब अब तो खैर मेरा कोई ऑफिस नहीं, तो एक संस्थान से उसका मुझे फोन आया, यही मेरा सारा ट्विटर का देख के। वो मेटर्निटी लीव पे थी, वो जैसे ही वापस आई है उसको बुला के बोला गया है कि आप रिजाइन दे दो बिकॉज शी इज नॉट इन शेप। अच्छा, वो उससे रिजाइन मांगा गया। मैं नहीं नाम ले सकती, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकती और लेना भी नहीं चाहिए। तो वो मुझे बताने लगी कि यार ऐसा है, देखो ये हो रहा है वो रहा है। तो मैंने कहा आपको अपने हिस्से का बोलना चाहिए और अभी मेरा बच्चा छोटा है, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे एकदम से मांग लिया है, मैं ट्रॉमा में हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ कभी इंटर्न को पेड इंटर्न बनाने के नाम पे, पेड इंटर्न को एम्प्लॉय बनाने के नाम पे, एम्प्लॉय बच्ची को आप 2000 रुपये बढ़ाने के नाम पे, आपको अगर लगता है कि अच्छा नहीं तुम थोड़ा सा अच्छा, रंग भेद भी है इंडस्ट्री में, है ना, बहुत है, बहुत रंग भेद है, बिल्कुल है, जातिवाद है। रिलीजन पे मैं बात नहीं करती, मुझे लगता है सबसे वैसा विषय होता है। तो आप थोड़ा सा सुंदर हो, थोड़ा सा गुड लुकिंग हो, एंकर बनाने के नाम पे, अच्छा दो बुलेटिन देने के नाम पे, डिबेट देने के नाम पे, इवेंट्स में ले जाने के नाम पे, एक आध कोई इंटरव्यू देने के नाम पे, है ना, ब्लैकमेलिंग तो होती है ना बच्चियों के साथ, होती है, मैं देखती हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चियों को सुना है, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों बताती हैं।
पर मेरे पास है। मेकअप आर्टिस्ट भी जो होती है ना, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट, मैंने उनको भी सुना है। एक बार उसे कहा गया था, एक फीमेल मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि जब उसने बेबी कंसीव किया तो उसे बोला गया कि अबॉर्ट करा दो, नौकरी से निकाल देंगे। क्यों? उस हमारी एक जर्नी होती है ना, आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही हमें मार भी तो नहीं सकते ना, हमारी छोटी छोटी जो इच्छाएं होती है उसको। मेरी नई शादी हुई है, मेरा नहीं है बच्चा, बट मैं उसे फील करती हूँ। मैं जब सुनती हूँ उनको तो मुझे लगता है कि कोई बोले या ना बोले, उसकी नौकरी की मजबूरी हो, जकड़न हो, कुछ भी हो सकता है। कई बार बच्चियाँ नहीं बोल पाती, बहुत हिम्मत नहीं होती। क्या वजह होती होगी इसी? डर। कैसा डर? नौकरी? कि उसके साथ लोग नहीं आएंगे। ये तो फिक्स है। लोग बहुत लोग आपके साथ खड़े होने में भी एक इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि रिटर्न क्या आने वाला है। मैं फील कर रही हूं अभी, आप एक रिटर्न क्या आने वाला है। महिला के तौर पर, एक जुझारू महिला के तौर पर, आपको क्या लगता है कि ये समाज महिलाओं की कदर करने में नाकाम रहा है, उसके साथ खड़े होने में नाकाम रहा है? जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है नवीन जी, उसके हिसाब से समाज, सोसाइटी से सबसे पहले ना फीमेल ने खुद को नहीं रिकॉग्नाइज किया कि तुम क्या हो। मुझे नहीं चाहिए किसी का सर्टिफिकेट, क्यों चाहिए? आप बताइए, मैं महीने के 5 दिन खून बहा के भी मैं उतना ही काम करती हूँ जो नॉर्मल एक इंसान करता है। मैं अपनी शिफ्टें करती हूँ, मैं अपना घर चलाती हूँ, मैं भाग दौड़ करती हूँ, मैं सामान लाती हूँ, तो मैं कर रही हूँ ना। आप ये 4 शहरों को मत देखिए, आप गांव में जाके देखिए, आप देखेंगे आज बच्चा डिलीवर होता है, 2 दिन बाद औरतें खेत में काम करती हैं औरतें, मैंने देखा है। मैं अपने घर की बड़ी औरतों को देखा हुआ है, मेरी नानी दादी सबकी कहानी है मेरे पास, मेरी बड़ी माँ, सब ने काम किया हुआ है, करती हैं। तो आप पहले खुद को ही नहीं पहचानते, किसी ने ऐसा बोल दिया तो आप हर्ट होते हो। मैं डिसाइड करूँगी, मेरा कैरेक्टर, मेरे ड्रीम्स, कुछ भी मेरा जो है वो मैं करूँगी। तो वो विमेंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को सबसे लास्ट में रखती हैं, यहीं पर वो गलती करती हैं। जितनी मेरी समझ है, मेरी समझ के हिसाब से, माएँ ऐसा करती हैं, बहनें ऐसा करती हैं, मैं भी करती हूँ कई बार। कुछ मेरे भाई को चाहिए, मेरी बहन को चाहिए, मुझे भी पैरेलली कुछ लेना है अगर उसी समय, तो फिर मैं रुक जाऊँगी। हम सब करते हैं नवीन जी, हम नॉर्मल लाइफ में हम सब करते हैं। और शायद हमारी ना अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है लड़कियों की। मैं ये नहीं बोल रही कि मेल्स नहीं करते, उनका अपना एक स्ट्रगल होता है, सेक्रीफाइस होता है, बट हम ऐसा करके बड़े होते हैं ना। कंडीशनिंग ही हम, हाँ ऐसा होता है। तो वुमेन्स को छोटे छोटे लोभ से बच के, छोटे छोटे डर से बच के, एक बार खुद के लिए सोचना चाहिए। आपने सुभाष चंद्रा को कई बार मेल किया, कई बार अलग अलग स्टेज पर, पॉश कमेटी ने जब ठीक तरीके से काम नहीं किया तब, जब मिलने का समय मांगा, मिलने का समय आपने विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, विजिलेंस के लिए मांगा, फिर जब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात हुई तब, फिर जब आपको टर्मिनेट कर दिया गया तब, कभी सुभाष चंद्रा की तरफ से आपसे किसी भी तरीके से, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, किसी के जरिए कोई भी संपर्क करने की कोशिश की गई कि जीनत, ये ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के लिए सुरक्षित है, हम इसकी गारंटी देते हैं आपको, हम अन्याय नहीं होने देंगे, आपको किसी ने कोई किसी तरीके से विश्वास में लेने की कोशिश की? नहीं। ये बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये इतने ताकतवर लोग हैं कि पूरा पुलिस कमिश्नरेट हाथ बांधकर खड़ा है शिकायत पर, मुंह बाय। एक तरफ अगर आप चुटकी बजा देंगे और ताली बजा देंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, दूसरी तरफ जी मीडिया में एक आदमी कहता है कि यौन उत्पीड़न के मामले ऐसे निपटा देता हूं, ऐसे चुटकियों में, और पूरा पुलिस कमिश्नरेट ऐसे हाथ बांध कर खड़ा रहता है। कोई वादा हुआ आपसे, हम अन्याय नहीं होने देंगे जीनत, और किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारा कल्चर ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस? नहीं, मुझे तो सुना ही नहीं गया, मुझे तो मिलने का समय नहीं दिया गया, कभी भी नहीं।
मेरे ईमेल्स अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। ये कागज इतना सारा जो बिखरा हुआ है, ये तो मतलब वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कैसे इसको फेस किया। एक एक मेल इतनी धुकधुकी लाता है और आप रात रात भर सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कोई मेल आया है मुझे क्या जवाब देना है। मुझे पता है ना सामने फेयर सिस्टम नहीं है, तो मुझे कैसे कैसे लड़ना है, कैसे कैसे खड़े रहना है, मैं किससे बात करूं, कौन मेरी निस्वार्थ हेल्प करेगा, है ना? आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं? हाँ, क्योंकि अदालत ही अब आपके सामने रास्ता बचा है। पुलिस FIR लिखने को राजी नहीं है, जी मीडिया जो है वो पॉश कमेटी की रिपोर्ट देने को राजी नहीं, रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए वो टर्मिनेट कर देता है, उसका एक कहें यौन उत्पीड़क के बिना काम नहीं चलता, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। ये मेल करके जी मीडिया ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी के बिना इतने बड़े जी साम्राज्य का काम नहीं चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड है ये। और इसके लिए वाकई सुभाष चंद्रा जी आप बधाई के पात्र हैं कि आपके संस्थान ने लिखित तौर पर कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी रमेश चंद्रा के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, हम कुछ भी करके यौन उत्पीड़न के इस आरोपी के बिना जी साम्राज्य को नहीं चला सकते। वाकई इसके लिए आपको सलामी तो देनी पड़ेगी। टर्मिनेट कर दिया गया आपको, और जिसको आप इल्लीगल टर्मिनेशन, अनलॉफुल टर्मिनेशन ऑर्डर एंड वायोलेशन ऑफ पॉश एक्ट आपने कहा है, इसको चैलेंज करेंगे? मेरा राइट बनता है, मैं जरूर चैलेंज करूंगी, मैं जरूर चैलेंज करूंगी इसको। मैंने पब्लिक फोरम पे हेल्प भी मांगी है, फाइनेंशियल हेल्प भी मांगी है, मेरे पास अब जॉब नहीं है और मेरी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं अभी, है ना, अपना खर्चा, तो मैं इस बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हूँ, अच्छे वकील, अच्छे लोग, जो ये बड़ी ना नवीन जी होप की लड़ाई है, इट्स नॉट ओनली माई मैटर, ये सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे, और अगर मैं सिर्फ अपना समझती तो हाँ। और मैं तो जोड़ देता हूँ कि केवल बहुत सारी लड़कियों की उम्मीद नहीं है इसमें, बहुत सारे पुरुषों की उम्मीद है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बेटियों के लिए ये समाज, ये दुनिया ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, ये उन तमाम लोगों की लड़ाई है। मैं देख रही हूँ लाखों में लोग मुझे ट्विटर पे मैसेजेस कर रहे हैं, नहीं है इतने फॉलोअर्स मेरे, नहीं है, बट लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हाँ मेरा जो इंटेंशन और कॉज है ना वो बहुत बड़ा है। वर्कप्लेस पे इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो विमेन सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, लोग नहीं बात करते, बचते हैं, ऐसे ही निपटा देने की कोशिश करते हैं। ऑन रिकॉर्ड यशवंत सिंह का नाम लेना चाहता हूँ कि यशवंत ने कहा कि जीनत एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है और इसके लिए उनको खूब सहयोग किए जाने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल महिलाओं की लड़ाई है, बहुत सारे लोगों की उम्मीद की लड़ाई आप लड़ रही हैं। ये आपने यशवंत जी का जिक्र किया, मैं तो हाथ जोड़ के उन सभी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ नवीन जी, जिन्होंने, आप मानेंगे नहीं, मुझे दोस्त कम हो गए क्या इस लड़ाई में, दोस्त या कुछ नए बने हैं? जो मेरा दोस्त होगा वो ये स्थिति देख के भागेगा थोड़ी, जो मेरा होगा, जो नहीं थे वो जाएंगे। सर मैंने ऑफिस में लोगों को बदलते देखा है, मेरे साथ खड़े होने से बचते हुए देखा है, मुझ पर चुटकियां लेते हुए देखा है, मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की गई हैं, एक स्ट्रैटेजी के तहत मेरी शिकायतें करते फिर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों में, एक शो में, एक इसमें उसमें, लेकिन जब आप बड़ा कुछ सोचते हो तो ये चीज़ें कितनी गौर लगता लगती है। गलती हो गई, नहीं पढ़ना था, इतना बड़ा तो नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, सोचा था एक शिकायत करूंगी, कुछ सुनवाई होगी, मामला ठीक हो जाएगा, ये कहाँ कोर्ट कचहरी अदालत, सुभाष चंद्रा जी कॉरपोरेशन, इतना बड़ा, पूरा पुलिस कमिश्नरेट। पता नहीं, शायद ईश्वर ने कुछ सोचा हुआ है, मैं और क्या बोलूं, क्योंकि एक 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 मैं परेशान माहौल में हूँ, मैं उसकी कंप्लेन कर रही हूँ, और ये जो सोच होती है ना कि मेरे को ठीक अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे को मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं और पढ़ूंगी लिखूंगी, मेरे को आगे राइटिंग में जाना है, उस हिसाब से भी सारी चीज़ें सोची, पर जो चीज़ नहीं सोने दे रही थी वो ये कि नहीं, ये कि ठीक नहीं है, ये टॉपिक जो है ना इस पर बात होनी चाहिए। तो शुरू तो किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप देखिए, एक विमेन ने दूसरी विमेन से कहा,
बट वो जितना मुझे उसमें जलील बहुत सारी महिलाएं काम करती होंगी जहां आप काम करते हैं जीनत, निश्चित तौर पर वो आपसे सहानुभूति रखती होंगी, लेकिन उन्होंने आपको मजबूती देने की कोशिश की? नहीं, कहा कि जीनत हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग लड़ेंगे इसको? नहीं। कभी मिलियो, चलो तुमको चाय पिलाते हैं, तुम परेशान हो? नहीं, मेरे साथ नहीं खड़े होते, मेरे साथ नहीं बात करते, वो लोग बचते हैं, कहीं मेरे साथ खड़े होने से उनका नुकसान ना हो जाए, डरते हैं ना, छोटा दिल रखते हैं, छोटी सी दुनिया होती है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आई एम वेरी सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये स्वार्थी तो हुआ ना, बट वो आज़ाद हैं, उनकी मर्जी, वो हेल्प करें ना करें, मैं उनके फैसले का रिस्पेक्ट करूँगी, मैं हर किसी के फैसले का रिस्पेक्ट करूँगी, और अगर वो ऐसा नहीं होते तो शायद मुझे इतनी हिम्मत नहीं मिलती भी। मैं बोल रही हूँ ना, कोई एक चीज़ होती है जो आपको बहुत मोटिवेट कर रही होती है कि नहीं, मेरा पर्पस सही है, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लोग मिलेंगे, और आपने जो बात कही, मुझे नए दोस्त मिले हैं, देखो मैं फ्लाइट मोड पर रखती हूँ अपना फ़ोन, मुझे इतने फ़ोन आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, अच्छा हर फ़ोन एक धुकधुकी भी लाता है, बिकॉज कुछ लोग हेलो हेलो करके आवाज़ सुन के और एक थ्रेड देने की कोशिश करते हैं, बहुत उड़ रही है तू, और काट देते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन लोग होते हैं, मैं कितने नंबर को वो करूँगी, बट हाँ लोग बहुत सारे मिले, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत हिम्मत दी उन्होंने मुझे। मीडिया में काम करने वाली लड़कियों से कुछ कहना चाहेंगे आज के हालात पर, करियर, जिंदगी और आत्मसम्मान के आपसी तालमेल पर? हाँ, मैं यही बोलूँगी, और मैं सिर्फ मीडिया क्यों, हर एक लड़की से, आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए होते हो, आप छोटे छोटे में डर के मारे, फैमिली और रिलेटिव्स और सोसाइटी के मारे आप बोल नहीं पाते हो, तो आपको उसके बारे में बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आप नहीं रिस्क लेंगे ना, तो आपको बहुत कम में संतोष करना पड़ेगा, आपको मिलेगा नहीं, फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बड़ी लड़ाइयों में आपको बड़े त्याग करने पड़ेंगे। धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो आपको करना पड़ेगा, आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं, आपको दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा। आप लाइफ वो तो है ही नहीं जो मैंने मेरे लिए सोच लिया, आपने अपने लिए सोच लिया, तो ऐसे तो हजारों लोग, लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं नवीन जी, आपको कुछ तो अलग करोगे ना, आपको ईश्वर ने इंसान बनाया है, कुछ तो अलग करोगे। जी न्यूज के प्रबंधन को कोई संदेश देना चाहेंगे इस पूरे मामले के बाद, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मुझे एक अधिकारी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उसी संदेश को यहाँ पे भी रखूँगी। वो कोई भी जगह जो होती है जहाँ पर किसी स्त्री का आंसू होता है ना, वो जगह फलती नहीं है, कभी नहीं फलती, समय इसका जवाब दे देगा। मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी, जहाँ पर आप इंसान के जज्बात, उसके अधिकार, उसके राइट्स, उसकी ड्यूटी, उसके ज़िंदा होने को महत्व नहीं देते, उन जगहों पे ना बरकत नहीं होती कभी। जीनत, एक सवाल जो लगातार आपके शुभचिंतकों के मन में चल रहा है वो ये कि कल को अगर आपने समझौता कर लिया, आप चाहे वो समझौते की सूरत कुछ भी हो सकती है, फिर क्या होगा इस लड़ाई का, ये गारंटी कैसे लोग माने कि आप समझौता नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा हुआ है अतीत में कि बहुत सारे लोगों ने बहुत उदार होकर एक लड़ाई, किसी की लड़ाई अपने हाथों में ले ली, और फिर जिसने ये लड़ाई छेड़ी उसने समझौता कर लिया। अच्छा कि आपने मुझे तीस्ता सी तलवार का उदाहरण हमारे सामने है, उनको उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ, क्योंकि पलट गए जिन लोगों की लड़ाई वो लड़ने चली थी। अच्छा सवाल है नवीन जी, मैं फिर कहूँगी कि अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी,
लेकिन जो मेरा अपना इंडिविजुअल एक व्यक्तित्व है, मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ और मैं जो मेरी जर्नी रही है, मैंने कभी गलत के लिए गलत को सहा नहीं है। मेरी इमेज हमेशा एक ब्लंट फीमेल वाली रही है, जो कि ज़्यादातर पुरुषों को पसंद नहीं आता। वो औरत नहीं पसंद आती जो बोलती है अपने, जो ताकतवर है, जो अपनी बात रखती है, जो असर्ट करती है। तो ये मेरे पास एक्सपीरियंसेस भी हैं कि आप सवाल कर लो, आप अनफेयर कोई कर रहे हैं आप उस पर सवाल कर लो तो आप चुपते हो, फिर आपको किस तरह से कितना सताते हैं, कैसे कैसे सताते हैं, शिफ्टों से लेके, बुलेटिन से लेके, इंटरव्यू से लेके, हर चीज़ में। मैं लिखने बैठूँ तो पता नहीं मैं क्या लिख दूँ, और मैं लिखूँगी, मैं लिख भी रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ उस पर। तो समय 6:54 हुआ है, आप मेरे शब्द और समय दोनों ध्यान रखिएगा। मेरा व्यक्तित्व नहीं है समझौता करने वाला, मैं नहीं हूँ उनमें से। जिंदगी रही तो आप भी देखेंगे और मैं भी यही हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं अभी इतना ही बोलूँगी। ये वादा काफ़ी है और वायदे से ज़्यादा ये आत्मविश्वास काफ़ी है, और आत्मविश्वास से भी ज़्यादा आत्मसम्मान को बचाने की ये ललक काफ़ी है। तो जीनत की लड़ाई शायद, और शायद क्या, निश्चित तौर पर बहुत सारी उम्मीदों की लड़ाई है, बहुत सारी ऐसी घटनाओं के खिलाफ खड़े होने की लड़ाई है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं। ये लड़ाई आधी आबादी को टूटने से बचाने की भी लड़ाई है। इस लड़ाई को जितना व्यापक बनाया जा सकता हो उतना व्यापक बनाया जाना चाहिए। ये बातचीत जारी है, थोड़ी देर बाद हम फिर मिलेंगे।